सो हाय एवरीवन, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी बहनों का पोषण ट्रैकर ऐप की एक नए वीडियो में। मैं रितेश कुमार, आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक नए अपडेट के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जो कि यहां पे एक वर्जन आ चुका है, नया वर्जन 13.8। तो इसमें क्या कुछ आप लोगों को बदलाव देखने को मिल सकता है, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। जैसे कि पिछला जो अपडेट आया हुआ था 13.7 का, जिसमें कि बच्चों के आधार कार्ड से रिलेटेड जो अपडेट आया हुआ था कि जो भी बच्चे हैं 0 से लेकर 6 साल के, उनके पेरेंट्स के यानी माता या पिता का आधार कार्ड डाल के हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, उसकी अनुमति पोषण ट्रैकर विभाग की ओर से दी गई थी। लेकिन आप लोग देख पाएंगे कि वहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिखा रहा था कि माता या पिता किसी का भी आधार कार्ड डाल के बच्चों का आधार वेरीफाई किया जा सके। तो चलिए जानते हैं इस 13.8 में क्या कुछ आपको बदलाव देखने को मिल सकता है, क्या बच्चों के आधार कार्ड वेरीफाई से रिलेटेड अपडेट आया है, क्या आया है, सभी डिटेल्स इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ से आ जाना है बैक, और बैक आने के बाद आपको आ जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर लिख के जैसे ही सर्च कीजिएगा तो इस प्रकार का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन भी आ जाएगा, आपको अपडेट कर लेना है। ये जो अपडेट है वो 13.8 का अपडेट है। यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 13.8 का ये नया वर्जन आ चुका है, और यहाँ पे जो व्हाट्स न्यू में दिया गया है, सिर्फ यहाँ पे हॉट फिक्स के बारे में बताया जा रहा है। हॉट फिक्स क्या है, चलिए इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं अपडेट करके कि क्या इसमें बदलाव किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको अपडेट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा अपडेट कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसको सिंपली ओपन कर लेते हैं। तो सिंपली ओपन करने के बाद यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप के होम पेज पे आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पे चलिए हम लोग चेक करते हैं कि कहाँ पे बदलाव किया गया है। जैसे कि यहाँ पे बेनिफिशियरी वाली कैटेगरीज को ओपन करते हैं, यहाँ पे गर्भवती महिला की लिस्ट ओपन करते हैं, और यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे कुछ बदलाव हुआ है नहीं। तो यहाँ पे अभी तो फिलहाल कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। स्तनपान कराने वाली माताओं की भी कैटेगरी ओपन कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको बदलाव नहीं देखने को मिला है। चलिए यहाँ पे जो बच्चों की कैटेगरी है उसको चेक करते हैं। यहाँ पे 0 से 6 माह वाले बच्चे की कैटेगरी को ओपन करते हैं, और यहाँ पे किसी एक बच्चे के आगे 3 डॉट पे क्लिक करके देखते हैं कि यहाँ पे जो आधार वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन दिया गया था, जिसमें कि माता या पिता का जो आधार नंबर है उसको डाल के वेरिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी कोई भी इसमें बदलाव नहीं किया गया है। जैसा पहले था वैसा अभी दिखा रहा है। 13.7 में भी ये अपडेट आया हुआ था कि जो बच्चे हैं उनका यहाँ पे आधार कार्ड डालना होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है आधार नंबर ऑफ चाइल्ड। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे 6 माह से 3 साल वाले बच्चे की कैटेगरी को ओपन करते हैं, और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके और प्रोफाइल अपडेट में जाके भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आने के बाद आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, जैसे कि जो 0 से 6 माह के बच्चे हैं उनका वहाँ पर आधार नंबर डालने का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो 6 माह से 3 साल वाले बच्चे की कैटेगरी है यहाँ पे आधार डालने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। ये अपडेट 13.7 में भी था, अब भी है, लेकिन इसमें जो 13.8 का अपडेट आया है इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। उसके बाद चलिए जो यहाँ पे 6 साल वाले बच्चे की कैटेगरी को ओपन करते हैं, और यहाँ पर भी देख लेते हैं कि जो बच्चे हैं उनमें यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट में कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी बच्चे का आधार कार्ड डालने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पे भी जो बच्चे हैं उनका यहाँ पे आधार कार्ड या उनके माता या पिता का आधार कार्ड डालने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो कह सकते हैं कि जो पोषण ट्रैकर ऐप में 13.8 का जो अपडेट आया है इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। चलिए यहाँ पे होम विजिट वाले में भी चल के देख लेते हैं कि जो लेट वाला ऑप्शन है उसको यहाँ पर सुधार किया गया है या नहीं किया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी जो होम विजिट का लेट वाला ऑप्शन है इसमें भी कोई सुधार नहीं किया गया है। तो ये अपडेट उतना खास नहीं है, लेकिन आप लोग इस अपडेट को ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर अपडेट को करना काफ़ी ज़रूरी है। और यहाँ पे आधार वेरीफाई वाले ऑप्शन में भी चल के देख लेते हैं तो यहाँ पे भी कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने आपको सभी कैटेगरीज ओपन करके दिखा दिया है, कहीं पर भी कुछ बदलाव या कुछ सुधार नहीं किया गया है। तो ये 13.8 का अपडेट उतना खास नहीं है, लेकिन 13.7 का जो अपडेट आया था उसमें आप लोगों को ये बताया गया था कि जो बच्चे का आधार कार्ड वेरीफाई करने का ऑप्शन दिया गया था कि माता पिता के आधार से बच्चों का आधार
वेरीफाई कर सकते हैं, उसकी अनुमति दी गई थी, तो यहाँ पे वो अपडेट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वो अपडेट आ जाता है तो आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में THR का फॉर्म 100% भर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं 1 से 3 साल वाले, उनका जो जब तक आधार वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप लोग उनका THR का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।